नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। रुद्रपुर से भीषण अग्निकांड का मामला सामने आया है, जहां मलिक कॉलोनी में देर रात एक घर में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस दौरान लोगों ने घटना की सूचना आनन फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां फायर ब्रिगेड की टीम ने दो वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आग लगने से घर में रखी नकदी, ज्वेलरी और घरेलू जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक मलिक कॉलोनी निवासी कल्लू देर शाम पूजा कर अपने परिवार संग बाजार गया हुआ था। कुछ देर बाद पड़ोसियों द्वारा उसे सूचना दी गई कि घर से धुआं उठ रहा है, जिस पर उसके द्वारा अग्निशमन विभाग को घर में आग लगने की सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची टीम ने दो वाहनों की मदद से आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक घर में रखी नकदी, ज्वेलरी और सामान जलकर खाक हो गया। संभावना जताई जा रही है कि मंदिर में जल रहे दीपक से घर में आग लगी होगी। वहीं घर में मौजूद घरेलू 4 सिलेंडर फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल बाहर निकाल लिए, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सूचना मिली एमडीजी मशीन से कि यहाँ आग लगी है मकान में, तो हम लोग तुरंत आए और आने के बाद हमने आग देखा कि आग लगी, फिर हमने तुरंत दूसरी गाड़ी बुलाई और तुरंत देखा हमने 4 सिलेंडर है, निकंदन था गैस सिलेंडर, तो हमारे साथियों ने उसमें 4 सिलेंडर को बाहर निकाला और आग पर काबू पाया। अगर शायद हम सिलेंडर नहीं बजाते तो कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, और आग पर काबू पा लिया और हमारी दूसरी गाड़ी बड़ी गाड़ी आई तो हमारा और दो चार लोग आगे हमारे साथियों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो पाई। तो सामान कुछ बचा? कुछ सामान कुछ नहीं बचा है, बाकी सब राख हो गया है, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो अभी के लिए हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।